बात अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपको पुनाना विधानसभा क्षेत्र के डूडोली गांव से जुड़े एक बड़ी खबर सुनाने जा रहे हैं। डूडोली गांव में आज नक्षम चौधरी का भव्य स्वागत किया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दावेदार मानी जा रही है। डूडोली गांव की तरफ से नक्षम चौधरी को दिया गया है समर्थन। आइए आपको मिलाते हैं नक्षम चौधरी से। आज मेवात आज तक की टीम पहुंची है पुनाना विधानसभा क्षेत्र के गांव डूडोली में। यहां पे एक सम्मान समारोह जिसमें नक्षम चौधरी को, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रहे हैं, उन्हें डूडोली गांव की तरफ से एक भव्य स्वागत किया गया और एक भारी समर्थन दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है नक्षम चौधरी, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेवात आज तक में नक्षम जी। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। ये जो आज आपको ये समर्थन मिला है डूडोली गाँव, क्या कहना चाहते हैं इस जनता के लिए? बड़ा अपार प्यार मिल रहा है यहाँ पे जी। इतने भव्य स्वागत और इतने भव्य अभिनंदन के लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करती हूँ। और इन जिस किस्म से इन्होंने मेरा कद बढ़ाया है, मुझे मान इज्जत बख्शी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इनका मान सम्मान इसी तरीके से बरकरार रखूँ जी। जी, तो अभी कुछ जनता ये जानना चाहते हैं टिकट को लेकर क्या चल रहा है, मतलब थोड़ा सा जनता के लिए। जी, टिकट को लेके ऐसा है जी, जिस दिन वो सरकार का फैसला है, पार्टी का फैसला है। बाकी आप 15 तारीख को ही मनाएंगे, 13 अगस्त को नहीं मना सकते। तो जिस दिन फैसला होगा सबके सामने आ जाएगा जी। विधायक रहीसा खान और एक आपका नाम सामने है जी, तो आपको कितनी उम्मीद, कहाँ तक उम्मीद लगा रही है आपको टिकट मिल पाएगा? मुझे भरपूर तरीके से विश्वास है कि टिकट भी मिलेगा और कमल भी खिलेगा जी। जी जी, धन्यवाद। शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे छोटा सा परिचय अपना दूं जी। मेरा नाम नक्षम चौधरी है, आपके इलाके की बेटी हूँ, आपके इलाके की बहन हूँ, इज्जत हूँ और एक छोटा सा स्वप्न मन में लेके आगे चल रही हूँ कि जो भी है, जिस हाल में भी, मैं अपने इलाके की निस्वार्थ रूप से सेवा करूँगी। मेरा इलाका हिंदुस्तान के स्तर पे सबसे ऊंचा जाएगा, ये मेरा आप लोगों से एक छोटा सा वादा है। आज आप लोगों के समक्ष खड़े होकर मुझे इतनी खुशी है, मुझे इस इलाके में अपने यहाँ बुलाकर जो इज्जत दे रही है और जो मेरा मान बढ़ा दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाकी जहाँ तक बात है कि हम यहाँ पर एक चुनौती पर खड़े हैं और चुनौती का भरपूर रूप से सामना करेंगे। अगर मेरे साथ मंदिर पर मेरा अगर साथ दे रहे हैं, मेरे को समर्थन दे रहे हैं, मुझे अपना रहे हैं, तो ये बात तो है कि मैं यहाँ पर कमल जरूर खिलाऊंगी। के साथ मैं आप सबसे उम्मीद रखती हूँ। बाकी जितने मौजूद लोग हैं, जितने इस गांव के सज्जन और जितने भी लोग आदरणीय यहाँ पर मौजूद हैं, सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है इस भव्य स्वागत के लिए और मेरा कर कई गुना ऊंचा बढ़ाने के लिए। बहुत धन्यवाद।